हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले महिंद्रा सीआई के शेयर के प्राइस के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर दिया और आज हम लोग बहुत डिटेल वे में बात करेंगे। इनफैक्ट निफ्टी 50, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारे कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो वो सबकी वीडियो सेपरेटली आएगी, तो सारी वीडियो को देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनके लिए भी ये नया यूज़र इंटरफेस है, इनफैक्ट डैशबोर्ड नया है, तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जिनको भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपना फ्री अकाउंट आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं महिंद्रा सीआई के बारे में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी शेयर राइट नाउ 175 रुपीज पर करेंटली ट्रेड कर रही है और आज 2.52% तक ऊपर जाते हुए दिखी है। इनफैक्ट 4.30% तक ऊपर दिखी है और जो लास्ट टाइम डायरेक्टली ऊपर गई थी वो 1050 तक ऊपर थी और फिर उसके बाद एक सेम लाइन का फ्लक्चुएशन मेंटेन किया गया है महिंद्रा सीआई में। अब बात करेंगे महिंद्रा सीआई की नेक्स्ट टारगेट और कितनी ऊपर जा सकती है, पर इससे पहले आप लोग 5 डेज का केयर कर सकते हैं। तो लगातार की सिचुएशन कैसी बनी रही महिंद्रा सीआई में और 1 मंथ का भी सिचुएशन कैसा बना रहा है। इससे पहले भी मेरी पुरानी वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि महिंद्रा सीआई की शेयर जल्दी ही बहुत ऊपर जाने वाली है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है मार्केट में। तो यहां से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब निफ्टी 50 पे केयर करते हैं। अगर निफ्टी 50 और महिंद्रा सीआई की शेयर प्राइस को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 स्टार्टिंग से नेगेटिव में थी और एक अच्छा खासा बाद में फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अगर महिंद्रा सीआई में भी देखें तो यही महिंद्रा सीआई में स्टार्टिंग से ही ये पॉजिटिव, स्टार्टिंग में ओपन हुई थी नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव में ही लगातार जाते हुए दिखी है। अगर बात करें तो कब से 9:30 से पॉजिटिव में थी और फिर उसके बाद लगातार पॉजिटिव के साइड इसका फ्लक्चुएशन दिखा, वो भी एक सीक्वेंस एक लाइन मेंटेन किया गया। अब जब ओपन हुई थी तो देख सकते हैं कितने की ओपन हुई थी 169 रुपीज़ पे और हाई गई है 176 रुपीज़ तक, लो गई है 167 तक। तो ये लगातार की फ्लक्चुएशन देखी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या ले रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए 6 मंथ पे आते हैं। अब 6 मंथ पे केयर कर सकते हैं आप लोग, इतनी ऊपर आई है, पर कोविड सिचुएशन कुछ भी करवा सकती है। तो कोविड सिचुएशन मार्केट गिरा भी सकती है और मार्केट उठा भी सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब कितनी डाउन आ गई थी उस टाइम, उसके बाद कितनी डाउन आई है। अब नेक्स्ट टारगेट हम लोग क्या रखें, तो नेक्स्ट टारगेट मैं बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा का टारगेट मत रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि अभी कभी भी नीचे आ सकती है ये शेयर, किसी पॉइंट पर भी किसी वक्त में भी ये शेयर्स नीचे आ सकती है, तो जिसके चलते आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट टारगेट मैं ज़्यादा, मुझे चांसेस नहीं लगता कि ये और ऊपर जाएगी, चांसेस है कि नीचे गिर सकती है, ये मेरे एनालिसिस के थ्रू है। एक बार खुद आप भी एनालाइज कीजिएगा, चांसेस है कि नीचे गिर सकती है। अब ऊपर जाएगी तो कितनी ऊपर जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। एज आई थिंक सो 180 से ज़्यादा ऊपर जाते हुए आपको नहीं देखेगी और इनफैक्ट उसके बाद डाउन का कितना गिरावट, मुझे मतलब जैसा मेरा एनालाइज है उसके हिसाब से मुझे लगता है 160 तक डाउन जाते हुए आप लोग को दिख सकती है ये शेयर्स। तो एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन इस टाइम पीरियड में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शॉर्ट सेलिंग का ट्राई कीजिए तो आप लोग का एक अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है इस शेयर्स में। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी थोड़ी ही देर में मेरी और भी वीडियो अपलोड होगी, तो वो सब वीडियो भी देखिएगा ज़रूर से। यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।